फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अमेजोन में रिटर्न का ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा, तो फ्रेंड आपने ऑर्डर किया हुआ अमेजोन से और इसमें आपको रिटर्न का ऑप्शन नहीं दिखता है। फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें रिटर्न का ऑप्शन नॉट अवेलेबल होता है दोस्तों। तो मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था, तो मैंने अपना रिटर्न कैसे किया दोस्तों आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो मैंने अपना रिटर्न प्रोडक्ट कराया हो फ्रेंड, मेरा भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा था दोस्तों। जो सेलर होता है वो आपका जो ऑप्शन होता है उसको वो ऑफ़ कर देता है, एलिजिबल नहीं होते फिर आप रिटर्न करने के लिए। तो आपको दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, आप कैसा कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए। तो हम अपने थ्री लाइन पे क्लिक करके दोस्तों अपने ऑर्डर में पहले जाएंगे। देखिए, एक रिफंडेड और एक रिटर्न कंप्लीट लिख के आ रहा है दोस्तों। तो दोनों प्रोडक्ट को हमको रिटर्न करना पड़ा दोस्तों। एक कवर, एक मोबाइल था दोस्तों, एक मैंने इसमें मोबाइल का ग्लास टूटा हुआ था फ्रेंड इसके लिए, और यूज़ करेला दिख रहा था इसके लिए मैंने उसको रिटर्न करवा दिया दोस्तों। तो आप भी ऐसा कर सकते हो दोस्तों। कैसा रिटर्न कराने का दोस्तों, आपका जब सेलर, मेरा सेलर था दोस्तों, उसने इसमें रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था मोबाइल ख़रीदा तो क्योंकि वो मैं जो प्रोडक्ट उसने दिया था वो टूटा हुआ था, उसको मालूम था ये रिटर्न आएगा, तो मैंने इसको कैसा रिटर्न किया वो आपको बताता हूँ। देखिए, रिटर्न कम्प्लीट लिख के आ रहा है इधर, योर रिटर्न इज़ कम्प्लीट। तो आपको ऐसा रिटर्न कराने का आपका कोई भी प्रोडक्ट है फ्रेंड, मैंने कवर भी रिटर्न कराया फ्रेंड, इसके लिए कवर लिया था मैंने, वो भी रिटर्न किया, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं था रिटर्न का। यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऑफ ए रिटर्न ऑफ दिस आइटम। ठीक है, मैंने अभी इसको रिटर्न रिक्वेस्ट कर दिया था, अभी एक जा रहा है रिटर्निंग टू सेलर फ्रेंड्स, अभी तक का ये पहुंचा नहीं है, अभी ये जा रहा है। तो मैंने ये ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, तो हमको क्या कस्टमर से बात करने का है, तो आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके चैट विद कस्टमर पर क्लिक करने का है और गेटिंग हेल्प पर आपको क्लिक कर देना फ्रेंड्स। यहाँ लिख के आएगा वेलकम टू अमेजोन, अभी ये बात करने का हमको वही आपको डालना है, कोई दूसरा नहीं डालना है फ्रेंड्स। ये पूछ रहा है इसके बारे में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड, मैंने तो एक रिक्वेस्ट कर चुका, फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। यस, डेट इज वॉज करेक्ट, तो आपका ऑर्डर जो भी आएगा उसको करेक्ट करके आपको सेलेक्ट कर लेने का है। फिर आपको कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करने का, ये बोले आपको कस्टमर से बात करने का। देखिए ऐसा, चैट विद कस्टमर सर्विस, आपको उस पर क्लिक करना है, चैट विद कस्टमर सर्विस पर आपको क्लिक कर लेने का है। आई नीड मोर हेल्प पे करने का, तो आपको चैट विद कस्टमर सर्विस का ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिए, एक जन हमसे ज्वाइंट हो रहा है एसोसिएट अमेजोन का, तो हम फिर इधर लिख लेने का हमको प्लीज़ रिटर्न ए प्रोडक्ट, सिर्फ इतना लिखने है, प्लीज़ रिटर्न माई प्रोडक्ट लिख के चलेगा दोस्तों। हेलो, देखिए सामने से आपसे बात कर रहे हो, प्लीज़ रिटर्न माई प्रोडक्ट एंड रिफंड में मनी आपको लिख लेने का। आपका पैसा आपने दे दिया, तो आप दोस्तों आपने पेमेंट करे तो आपको क्या करने का है, रिफंड में मनी लिखना जरूरी नहीं, तो आपका रिफंड थोड़ा लेट हो जाएगा फ्रेंड नहीं लिखोगे तो। प्लीज़ रिटर्न माई प्रोडक्ट, आई एम कैंसलिंग माई ऑर्डर, ऐसा आप लिख सकते हो फ्रेंड। आप चाहे तो सिर्फ प्लीज़ रिटर्न माई प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। तो ऐसा करके आप मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने एक बार कर चुका हूँ फ्रेंड ऐसा करके, और आपको भी यही करना है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है दोस्तों उसको रिटर्न के लिए ले लिया जाएगा, और ऐसा करके आप अपना रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने दोनों प्रोडक्ट को, मेरा दोनों में ऑप्शन नहीं था फ्रेंड, तभी मैंने उधर चैट करके हमारा रिटर्न के लिए उन लोगों ने ले लिया। तो ऐसा करके आप अपने रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो फ्रेंड। तो दोस्तों ऐसा आपको समझ में आ गया होगा कैसा मैंने आपको बताया हो, आपको नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो को देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा रिटर्न कैसा करते हैं। तो जब भी आपको ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको कस्टमर केयर से चैट करने का और अपने रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करने का दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड बोलना चाहूँगा, आपको ऐसे ही कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना डालूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो में इतना ही, तब तक का थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।